हाय, मुझे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है जिन लोगों को रियल एस्टेट में अपना करियर शुरू करना है, बी एट एनी स्टेज वो कोई आईटी में काम कर रहे हैं या फिर वो प्रोफेशनली कोई दूसरे प्रोफेशन में है और उन्हें स्विच करना है रियल एस्टेट में, तो हम रियल एस्टेट बिजनेस शुरू कैसा करें या कौन से पैरामीटर के साथ हम कंपनी के साथ या प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट हो। मेरा नाम रेशमा हाजिते है, मैं पिछले 12 साल से रियल एस्टेट में लैंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हूँ। 12 साल में मैंने 100 से भी अधिक लोगों का रियल एस्टेट में अपना करियर बनाने का और लाखों की इनकम कमाने का सपना पूरा किया है। आज बात करते हैं, अगर आप ऑलरेडी प्रोफेशनल हो और आपके पास लोग रियल एस्टेट की डिमांड लेके आ रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि हमें यहाँ यहाँ पे ये चीज चाहिए, बीट अ फ्लैट, बीट अ लैंड या फिर कमर्शियल चाहिए, ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहली चीज आपने करनी चाहिए कि ये टारगेट मार्केट को कौन सा प्रोडक्ट चाहिए वो आपने एक्चुअली आइडेंटिफाई करना चाहिए। कौन से एरिया में, कितने BHK, या फिर अगर आप लैंड में है तो कौन सा प्रेफरेबल एरिया है, या फिर इनको इतना अप्रोक्सीमेटली बजट रेंज इनका क्या है, इस हिसाब से आपने एंटायरली आपके पहले तो टारगेट जिनको करना है या फिर जिनको आप प्रोडक्ट आगे जाके देने वाले हो उनकी नीड एनालिसिस करनी चाहिए। क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट में सबसे बड़ी मिसिंग चीज़ यही है कि लोग एनालिसिस नहीं करते कि सामने वाले की ये ज़रूरत है या नहीं है, एंड दे जस्ट सजेस्ट द प्रोडक्ट, दैट डजंट वर्क। सो फर्स्ट पॉइंट, अंडरस्टैंड आप जिस भी बेसिस पे रियल एस्टेट में करियर करने जा रहे हो वो आपके सर्कल के जो लोग हैं उनकी डिमांड कौन से एरिया की है, तो आप प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, उनकी रिक्वायरमेंट है कि कोथरूड में 3 BHK एट अ सर्टन लोकेशन लेना है, तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपका प्रोडक्ट ये लोकेशन पे होना चाहिए। सेकेंड चीज ये भी हो सकती है कि आपके पास अभी टारगेट मार्केट रेडी नहीं है, बट आप टेंटेटिवली डिफाइन कर सकते हो कि मेरे पास किस तरह के क्लाइंट आ सकते हैं मेनली। ओके, सेकेंड पॉइंट है जिसपे ऊपर आपने डिफाइन करना चाहिए कि आपने डिफाइन किया कि मुझे लैंड में काम करना है, रेसिडेंशियल में काम करना है या कमर्शियल में काम करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट, कंपनी रेपुटेशन, क्योंकि क्या है, आप किसी को भी रेफर करते हो या किसी को भी आप क्लाइंट करके लेके जाते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रियल इस्टेट में होती है कि डिलीवरी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द डेवलपर, यानी इस डेवलपर ने इससे पहले कितने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, उनकी डिलीवरी ही किस तरह से है, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन किस तरह का है। ऑब्वियसली आप ये चीज़ें डेवलपर के ऑफिस जाके चेक कर सकते हो या फिर डेवलपर के एग्जिस्टिंग क्लाइंट से बात करके भी चेक कर सकते हो। इससे बेनिफिट ये होता है ना कि डेवलपर की क्रेडेंशियल्स राइट हैं, आपके क्लाइंट को राइट सर्विस मिलेगी, राइट प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर राइट प्रोडक्ट राइट टाइम पे मिल गया तो ऑटोमेटिकली आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन हाइएस्ट होगा। और आपके लिए ये क्लाइंट एक प्रोजेक्ट के लिए नहीं है, यह आपके लिए लाइफ टाइम क्लाइंट रहेगा क्योंकि उसको अच्छी सर्विस मिली है। थर्ड पैरामीटर ऑन विच यू हैव टू डिफाइन आपका रियल एस्टेट का करियर इज बिफोर चूजिंग एनी कंपनी, बिकॉज आप उनके साथ में एसोसिएट होने जा रहे हो, आप बिजनेस रिलेशन में जा रहे हो, तो आपका कमीशन स्ट्रक्चर कैसा होगा या फिर इंसेंटिव स्ट्रक्चर भी उसको कहा जाता है, आपको कितना परसेंट मिलेगा, 2%, 3%, 1%, ये क्लैरिटी ऑन पेपर पहले आनी चाहिए। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, दो देर आर लॉट ऑफ कंपनीज जो ऑन पेपर ये चीज़ें भी देते हैं, बट आफ्टर सेल डील या आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द ट्रांजैक्शन एक्चुअली कितने दिनों में चैनल पार्टनर को कमीशन मिलता है, एज पर आर कंपनी पॉलिसी वी गिव इट आफ्टर सेल डील इमीडिएटली, इन नेक्स्ट 10 डेज वी रिलीज द कमीशन ऑफ चैनल पार्टनर। अगर आप ऐसे डील में हो जहाँ पे सेल डील के लिए टाइम लगने वाला है या क्लाइंट NRI है, ही इज नॉट एबल टू कम फॉर द सेल डील, इन दैट केस पे आउट स्ट्रक्चर क्या पार्शियल पेमेंट पे आपका रहेगा क्या, ये चेक कीजिए। ऑन पेपर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग पे आप ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए, एंड आउटसाइड चेक भी कीजिए कि ये बिल्डर के साथ में या ये डेवलपर के साथ में अदर कौन चैनल पार्टनर काम करते हैं, अब तक किसने यहाँ से कमीशन लिया हुआ है एंड उनका एक्सपीरियंस क्या है। ये अगर आप R&D करते हो तो आपको प्रोडक्ट चूज करने में, कंपनी चूज करने में, एंड ऑब्वियसली आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो कमीशन, ये तीनों चीज़ों की भी आपको सिक्योरिटी मिलेगी। अगर आप सोच रहे हो कि आपको रियल इस्टेट में पार्ट टाइम या फुल टाइम करियर करना है एज अ रियल इस्टेट कंसल्टेंट एंड यू कैन फुलफिल द ड्रीम ऑफ मेनी पीपल,
as a Excellent Shelters would be happy to help you in the entire career switch process. Any queries, anything you want, we would be happy to help you. Thank you.